नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। भील समाज के द्वारा 379 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। आशीर्वाद देने सांसद आनंद कुमार सिंह चौहान, स्थानीय विधायक भाजपा कांग्रेस से छाया मोरे, समाज सेवी चुन्नी लाल ने भनानी, पूर्व मंत्री विजय शाह नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। खंडवा नगर निगम और पानी वितरण कंपनी की लापरवाही से नगर में जल संकट को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद जैन से बातचीत। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। शहर में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। चारों तरफ आप जाओ, जो देखो वो गुंडी लेके बैठा हुआ है कि पानी आ जाए। महिलाएं बेचारी अपने मटके गुंडी लेके बैठी हुई रात रात भर तक, पानी का ठिकाना नहीं। यानी आप देखो, ये विश्वा वालों ने तो नाक में दम ला दिया है 3 लाख लोगों को, शहर की जनता को। यानी ये कहाँ से किस मुहूर्त में खंडवा में आके पड़े कि इन्होंने तो खंडवा का सत्यानाश कर दिया। पानी के मामले में लोगों को परेशान कर डाला। यानी आप देखो कि अभी तक जब से इन्होंने पाइपलाइन डाली है, ये खटारा पाइपलाइन, ये जब बच्चों के खिलौने वाली पाइपलाइन, तब से 73 बार ये पाइपलाइन फूट चुकी है। यानी एक बार सुधारो कि 2 दिन बाद फिर खड़ी हो जाती है नागिन जैसी। अरे तो ये हल्की पाइपलाइन डाल दी इन्होंने, जो कि मापदंड के अनुसार नहीं है और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जगह हमारे किसानों ने फोट डाली, और क्या किसानों ने फोट डाली? तुम तुम्हारी व्यवस्था देखो कि क्या करना है। सब कुछ तो तुमको करना है, उसकी सुरक्षा तुमको करना है, बिजली की व्यवस्था तुमको करना है, सब अनुबंध में है, और बाकी एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। और आज देखो कि यानी 73-74 बार ये पाइपलाइन फूट चुकी। 5-4-5 कलेक्टर चले गए। यानी देखो, पहले एमके सिंह थे, उनके समय से बात चल रही है। मैं कार्रवाई करूंगा। इन्होंने यानी नगर निगम के कर्मचारियों को, आयुक्त को कहा था कि 3 दिन में नहीं ठीक हुई तो इस पर विश्वा पे FIR दर्ज करा। उसके बाद में आप देखो कि वो अपने एक कलेक्टर आई, अपने शिल्पा गुप्ता, उनके कार्यकाल में भी ऐसा ही हुआ। देश भर में पुलिस व चिकित्सा प्रबंधन द्वारा मानव शवों के प्रति मानवीय व्यवहार न किए जाने के मामले में समय समय पर प्रकाश में आते रहते हैं। अभी मुरैना में भी पुलिस का अमाननीय चेहरा उस समय सामने आया जब एक गोली लगने से दलित युवक की मौत हो गई। उसके शव का PM कराने के लिए पुलिस द्वारा शव को पुलिस ने सिर्फ घसीटते हुए शव वाहन से PM हाउस तक ले गई, बल्कि विरोध करने पर उसके परिजनों को जमकर पीटा है। मुरैना से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जिले में लगातार हो रही चोरियों की घटना में आज रात अज्ञात चोरों ने बामौर के जैन मंदिर को निशाना बनाकर आधा दर्जन जैन तीर्थकरों की प्रतिमाओं सहित लाखों रुपए कीमती चांदी, पीतल के आभूषण व नकदी चोरी कर एक और घटना को अंजाम देते हुए पुलिस को चुनौती दी है। घटना स्थल पर पुलिस के साथ ही जैन महाराज ने पहुंचकर पुलिस को कड़ी चेतावनी दी है। मुरैना से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हालांकि हम लोग तो कल सुबह यहाँ पर आए थे और आज हम लोग का यहाँ से बिहार होना था, लेकिन एक संत भवन का शिलान्यास के हिसाब से एक समाज में इसलिए हम आज रुक गए थे। सुबह सुबह 5-5:30 बजे को आकर बताया कि मंदिर में चोरी हो गई, तो समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया, देखा गया तो करीब करीब 4-5 प्रतिमाएँ और चोरों ने जो गुल्लक होती है, जो साल भर में एक बार खुलती है, गुल्लक को पूरा सफाया करके 3-4 गुल्लक देते हैं। और बात पैसे की नहीं है, बात है भगवान की, आस्था की। किसी मंदिर में जहाँ एक भक्त हमेशा पूजा करता है तो वहाँ से भगवान अचानक गायब हो जाए, तो ये प्रशासन की बहुत सुस्त और हाईवे जैसी जगह जहाँ कुछ कदमों पर ही थाना हो, बहुत अभी बीच में 1 महीने पहले मुरैना से मैं तो देख रहा हूँ कि आए दिन
जैन मंदिरों पर धावा बोला जा रहा है, तो इसके लिए प्रशासन थोड़ा बहुत बड़ा जिम्मेदार है और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अभी पूरी समाज पानी अन्न जल सब त्याग करके यहाँ अनशन पर बैठ रही है। हो सकता है भगवान ने चाहा तो मूर्तियाँ तो हमें मिल जाएगी अति शीघ्र। प्रशासन ने ऐसा डी आई साहब हैं रघुवंशी जी, ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई चल रही है, डॉग वगैरह भी लाए हैं, उसे चेकअप चल रहा है, सीसी कैमरे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी जैसा भी होगा समाज के लोग हैं निर्णय होगा। चोरी में गया है, 5 प्रश्ना है आत्मघात की और 5-7 छत्र चांदी के, 5 छत्र हैं पीतल के और सिंहासन है 3 पीतल के, टोटल मूल्य 5 मूल्य है सर, वो तो 80 आदमी हैं, उनकी तो कोई कीमत क्या बता सकते हैं। तो हम तो क्या करेंगे, जो करना है वो करेंगे, हम तो धरना भी देंगे, अनशन भी देंगे, अनशन भी करेंगे, क्या क्या करेंगे, जो कुछ हो समाज को दिखेगा वो सब कुछ करेंगे। हाँ, इसमें सुबह 6 बजे सूचना मिली पुलिस को कि जो यहाँ पे भागवत में जैन मंदिर है वहाँ पे कुछ लोगों ने चोरी कर दी, तो इसमें अभी जो हमने वहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे, निरीक्षण किया और वहाँ पे क्रिश्चन का स्पॉट भी आता है, तो उसमें पता चला है कि 3 से 4 छोटी मूर्तियाँ हर धातु की हैं और 4-5 छत जो पीतल के और चांदी के वो चीज़ दे रही है। इसके अलावा दान पेटी में भी कुछ सामान था वो भी गया, तो इसमें हम आसपास के भी सीसीटीवी कैमरे दिखवा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से जल्दी। अंतिम संस्कार के बाद चंबल में नहाने गया नव युवक पानी में डूब गया, गोताखोरों द्वारा उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। आज सुबह के बाद नगरा थाना निवासी कप्तान सिंह तोमर का देहांत हो गया था। इनका अंतिम संस्कार चंबल नदी के किनारे घाट पर किया गया। इसमें गांव का ही एक छोटू तोमर शामिल होने गया। अंतिम संस्कार के बाद छोटू चंबल में नहाने चला गया, इसी दौरान वह डूबने लगा। लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। गांव वालों की सूचना पर ग्रामीण गोताखोरों के साथ राहत बचाव दल वहां पहुंच गया है, लेकिन अभी तक छोटू का सुराग नहीं लगा है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहे इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।